गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 31 जुलाई 2020 और आज हम लोग 31 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करेंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? When is World Day Against Human Trafficking celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 30 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो दिवस है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। और इस दिवस को मनाए जाने का घोषणा किया गया था 2013 में। और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। और तभी से हम लोग 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का थीम है कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंटलाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है? कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंटलाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? पहला है एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स और तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड टू। तो ये है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के नाम में बदलाव को मंजूरी दी है और इसी मंजूरी के बाद ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इस बदलाव को प्रस्तावित करने के पीछे जो मेन रीजन है वो है शिक्षा और केवल शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू की है? Which state government has recently launched Chief Minister Entrepreneurship Development Program? तो यह है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को यानी मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम को शुरू करने का घोषणा किया गया था। इस घोषणा में इन्होंने स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों के बीच कार्यशील पूंजी की कमी और ऋण की अवेलेबिलिटी पे जोर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मेन पर्पस है प्रतिवर्ष 2000 उद्यमियों की पहचान करना और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 5 वर्षों के लिए हर साल 1000 नए छोटे और मध्यम उपक्रम शुरू करने की योजना है। अब इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग केरल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं केरल के बारे में। केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और अभी प्रेजेंट टाइम में केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है उनका? आरिफ मोहम्मद खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? रिसेंटली हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर 2018-19? तो यह है 30 सितंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी आयकर विभाग के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी आयकर रिटर्न भरने वाले लोग हैं उन सभी को कोविड-19 महामारी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी केंद्र सरकार ने 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को 30 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने का डेडलाइन था 31 जुलाई, अब इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड करके इसका समय सीमा 30 सितंबर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएफसी ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली पीएफसी हैज साइंड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी विद विच इंस्टीट्यूट? तो यह है IIT कानपुर, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के पीएफसी ने IIT कानपुर के साथ मिलकर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पीएफसी IIT कानपुर को 2,38,97,000 का वित्तीय सहायता अवेलेबल कराएगा और इस एग्रीमेंट का जो मेन पर्पस है वो है IIT कानपुर को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण नहीं चुकाने पर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुख्यालय रिलायंस सेंटर को कब्जे में ले लिया है? विच बैंक हैज रिसेंटली टेकन ओवर द रिलायंस सेंटर द हेडक्वार्टर्स ऑफ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप फॉर नॉट रिपेइंग द लोन? तो यह है यस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले यस बैंक के द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 29 अरब रुपए का लोन चुकाने के लिए कहा गया था और इसी ऋण को नहीं चुकाने पर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुख्यालय रिलायंस सेंटर को यस बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और अभी प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक का टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाघ अभयारण्य में पर्यटकों को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व ए कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड टू मेक टूरिस्ट अवेयर? तो यह है मुद्दुमलाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हम लोगों ने विश्व बाघ दिवस सेलिब्रेट किया है और इसी बाघ दिवस के अवसर पर मुद्दुमलाई बाघ अभयारण्य में पर्यटकों को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग अभयारण्य में पॉलिथीन की थैलियों के इस्तेमाल पे बैन लगा दिया गया है और इसके साथ ही साथ जितने भी पर्यटक हैं उन सारे पर्यटकों को अपने खाने पीने की बची हुई चीजें और उसे जितने भी रिलेटेड कूड़ा कचरा है उन सभी को खुद ही अभयारण्य के बाहर ले जाकर फेंकना होगा। फ्रेंड, जब हम लोग बात करते हैं मुद्दुमलाई बाघ अभयारण्य की, तो ये अभयारण्य 130 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस अभयारण्य में 103 टाइगर हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन एराज हो सकता है कि ये जो बाघ अभयारण्य है मुद्दुमलाई, ये कहाँ स्थित है? तो ये अभयारण्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर वायनाड पर्वतमाला पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति को मंजूरी दी है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंसेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स एंड होम्योपैथी? तो यह है जिम्बाब्वे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच सहमति को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जिम्बाब्वे के बारे में।
जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाबियन डॉलर। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मनानगागवा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्बाब्वे के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा केम्बो मोहदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एक ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया है? रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड एन ऑनलाइन सेशन अंडर द प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। तो यह है जम्मू और कश्मीर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी विद्यार्थी हैं, इन सभी को प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को लेकर काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एक ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया है। फ्रेंड्स, इस सत्र के माध्यम से स्टूडेंट्स है जो अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। और अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर के एलजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशियाई शेरों के लिए एक अलग एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड ए सेपरेट एम्बुलेंस फॉर द एशियाटिक लायंस? तो यह है गुजरात, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी गुजरात सरकार ने एशियाई शेरों के लिए एक अलग से एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रदान की है और ये एम्बुलेंस अमरेली और भावनगर जिले के सेंत्रोजी वन्य क्षेत्र के जंगलों में वर्क करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एशिया के शेरों के लिए इस वर्ष ये चौथा एम्बुलेंस का फैसिलिटी प्रदान किया गया है। अब इस फैसिलिटी को प्रदान किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस इन उत्तराखंड अंडर उड़ान स्कीम? तो यह है हरदीप सिंह पुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमारे केंद्रीय नागर विमानन मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इस हेलीकॉप्टर सेवा के प्रारंभ होने और नए हवाई मार्गों के खुलने से राज्य के जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे के काफी क्लोज आएंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास में हेल्प करेंगे। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर और गोचर के बीच हवाई संपर्क स्थापित हो जाएगा और इन स्थानों के बीच यात्रा में लमसम 20 से 25 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसेन। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन एजी प्रोजेक्ट? तो यह है मिजोरम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन एजी परियोजना को स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से फार्म सेक्टर में बदलाव आएगा और साथ ही साथ इसके माध्यम से भारतीय कृषि क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लाभों में चेंजेज आएंगे। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की यानी ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को 5 राज्यों में लागू किया जाना है और इन 5 राज्यों में से सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा मिजोरम में और 4 अन्य स्टेट्स हैं जहां इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है। वे हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान,
और उत्तराखंड, इन्हीं पांच राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजोल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में मिजोरम के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है उनका? पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के डिजाइन को 3D इमेज में दिखाया जाएगा? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ अमेरिका द इमेज ऑफ लॉर्ड राम एंड द डिजाइन ऑफ द राम टेम्पल टू बी बिल्ट इन अयोध्या विल बी शोन इन द 3D इमेज। तो ये है न्यूयॉर्क, इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 5 अगस्त को भगवान राम की छवि और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के डिजाइन को 3D इमेज में दिखाया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि अयोध्या में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली परेशानियों के इलाज के लिए ई पुस्तिका जारी की है? रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड एन ई बुकलेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग यूज प्रॉब्लम्स। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली परेशानियों के इलाज के लिए ई पुस्तिका जारी किया गया है। इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इन्हीं मादक पदार्थों के उपयोग से लोगों को हृदय, कैंसर और मानसिक से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ इन्होंने इस पे रोक लगाने की बात भी कही है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में ट्यूनिशिया का नया प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new Prime Minister of Tunisia recently? तो इसका ऑप्शन था हिचेम मचीची, डेनियल ओर्टेगा, एलिस फाकफाक और माइकल मार्टिन। तो ये है हिचेम मचीची, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी हिचेम मचीची जी को ट्यूनिशिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है एलिस फाकफाक का। किनका स्थान लिया है? एलिस फाकफाक का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? Who has recently won the Premier League's Golden Boot Football Award? तो इसका ऑप्शन है लियोनेल मेसी, सर्जियो एग्वेरो, गैरेथ बेल और जेमी वर्डी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।